हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसा चल रहा है रैंक पूस? आज न्यू सीजन है और फर्स्ट गेम प्ले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन से टीयर में आप लोग हो वो भी बता देना। एंड गाइस, ये वाले अपडेट में ना यार काफ़ी फ्री किल मिलते हैं। यहाँ पे देखो, इवेंट पे जैसे ही कूदते हो ना, काफ़ी ज़्यादा बंदे कूदते हो और आराम से खेलो, देख के बहुत ज़्यादा किल मिलेगा। अब गाइस, यहाँ पे मेरा एक किल तो हो गया था और सामने की साइड एक फूट आ रहा था और बंदा भी स्पॉट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक दो मोली थी, तो मैं सोचा यार मोली ट्राई करता हूँ। अब देखना ये वाली मोली। अब गाइस, यहाँ पे मैंने सीढ़ी पे ऐसे मोली फेंक दी थी, मेरे को लगा था ये वाला बंदा सीढ़ी पे बैठा होगा और वहीं पे बैठा था, तो ये वाला बंदा मर जाता है। और यहाँ पे मेरा दो किल हो गया था, और जैसे ही आगे जाता हूँ ना, तो आगे की साइड भी एक फूट आ रहा था। अब गाइस, यहाँ पे ये बंदे का फूट आ रहा था, मेरे को पता नहीं था ये बंदा कहाँ बैठा है, और सीधा मैं अंधा घुस जाता हूँ। अब गाइस, ये वाला बंदा नीचे ही था और सामने से आ रहा था, तो मैं इसको आराम से मार देता हूँ। और ये वाला बंदा शायद हेडफोन लगा के नहीं खेल रहा होगा, इसको मेरा फूट वगैरह नहीं आया होगा, ऐसे भाग रहा था, पता नहीं कौन सा नशे में था। अब गाइस, यहाँ पे और बंदे बचे थे और यहाँ पे त्रिपला में से फूट आ रहा था बंदे का, और यहाँ पे देखो क्या सीन होता है मेरे साथ। और मैं जैसे ऊपर जाता हूँ ना, तो पीछे से फूट आया, और ये वाला तो बोट था। अब यहाँ पे देखो, मैं बोट को मारने जा रहा था और उतने में मेरे को पीछे से पड़ती है और मैं सीधा भागता हूँ कवर में। अब गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट से हील कर लेता हूँ, और जैसे आगे जाता हूँ ना, तो ये वाला बंदा नीचे कूदा था और ये वाला बंदा ऊपर लिफ्ट से जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। गाइस, मेरे को नहीं पता था ये वाला बंदा सीढ़ी पे बैठा होगा, मेरे को लगा ये पीछे की साइड बैठ गया होगा, और ये वाला बंदा देखा तो सीढ़ी पे बैठा था। अच्छा हुआ डीबीएस थी, तो यहाँ पे इसको मैं डीबीएस से धर देता हूँ और मेरा 5 किल हो जाता है। अब गाइस, यहाँ पे सामने की साइड एक बंदा स्पॉट होता है और ये वाला बंदा जिगल थोड़ा बहुत दे रहा था और चुपचाप बैठ जाता है, तो मैं सोचा चलो अपने पास 3-4 नेट है तो नेट ट्राई करते, और उसका भी नेट आता है मेरे ऊपर, और मेरा HP देखना क्या HP बचती है, और मैं भी 2-3 नेट ट्राई कर रहा था, और मेरे साथ क्या सीन होता है वो भी देखना आप लोग। अब गाइस, यहाँ पे मैंने हीलिंग कर लिया, रहता तो यार सही रहता, और पीछे से किसी ने तर दिया, कोई बात नहीं यार, होता रहता है, चलता रहता है। अब गाइस, यहाँ पे मैं कोचिंग की साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिल जाती है, और मैं गाड़ी लेके सीधा चला जाऊँगा, थोड़ा बहुत छोटे छोटे घर होगा ना वो लूट लूँगा, क्योंकि यार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है भाई, क्योंकि यार यहाँ पे पहला दिन है और थोड़ा बहुत रैंक पुश करते यार, फालतू का माइनस वाइनस नहीं करना है वो। अब गाइस, यहाँ पे छोटे छोटे घर में भी फ्लेयर गन मिलती है, तो यहाँ पे मेरे को एक फ्लेयर गन मिल गई थी, और मैं सोचा यार अभी ड्रॉप मंगवा लेता हूँ। फिर यार मैं सोचा यार मैं तो रैंक पुश कर रहा हूँ, यार लूट का क्या करूँगा, मेरे को लूट तो थोड़ी बहुत होगी तो भी चलेगा। फिर मैं सोचा चलो लास्ट में BRDM मंगवा लेंगे, तो यार यहाँ पे फ्लेयर गन को अभी नहीं चलाता हूँ, अब लास्ट में चलाऊँगा। अब गाइस, यहाँ पे मेरे पास गन एक ही थी स्कारल, और यहाँ पे 3-4 घर और दिखे थे, मैं सोचा लूट लेता हूँ। और यहाँ पे देखो एक बंदा कैम कर रहा था। अब गाइस, ये वाला बंदा चालाक तो था बट इसके पास दिमाग नहीं था, मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज देता है और खिड़की से मेरे सामने ही कूदता है, तो यहाँ पे ना मैं TPP ले रहा था, इसको आराम से मार देता हूँ, और यहाँ पे मेरा 6 किल हो जाता है, और मेरे को इसमें से थोड़ी बहुत लूट भी मिल जाती है। अब गाइस, यहाँ पे सामने की साइड ड्रॉप गिर रहा था, तो मैं सोचा ड्रॉप लूट लेता हूँ, क्योंकि उसमें से लेवल 3 की लूट मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरे को बोट मिल गया था, तो यहाँ पे मैं बोट को मार देता हूँ गाड़ी से, और मेरा 7 किल हो गया था। वैसे वाले ड्रॉप में से मेरे को MG मिल जाते, तो यहाँ पे मैं MG ले लेता हूँ और सीधा निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए यार, कोई भी बंदा दूर से मार देगा, क्योंकि ड्रॉप पे सबकी नज़र रहती है। तो मैं ये वाला घर पे थोड़ा होल्ड करता हूँ और यहाँ पे देखना क्या सीन होता है। अब वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद ना एक ड्रॉप पे गाड़ी आती है। वैसे वाला बंदा ने यहाँ पे लूटे ड्रॉप लूट रहा था, और मेरे को नहीं पता था मैं होलो से उतना दूर मार दूंगा, बट ये वाला बंदा यहाँ पे मर जाता है। वैसे यहाँ पे मैं रोटेशन दे रहा था और उतने में मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है ओपन में, और ये वाला बंदा मेरे पे स्प्रे भी लेता है, और मेरे साथ साथ फाइट लेने के लिए रेडी था, तो मैं सोचा ऊपर की साइड में रुकता हूँ, और ये वाला बंदा तो ओपन में था, और ये वाला बंदा गलती क्या करता है वो देखना आप लोग। गाइस, ये वाला बंदा ना यहाँ पे ओपन में भागता है, और यहाँ पे मैं पीछे से आराम से मार देता हूँ, और मेरे को BRDM भी दिखती है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी स्प्रे लेता हूँ, तो ये वाला बंदा भाग जाता है आगे।
अब गाइस ये बीआरडीएम वाला बंदा ना यहाँ पे मेरा वेट कर रहा था, तो मैं सिर्फ बीआरडीएम पहले तो फोड़ने की ट्राई करता हूँ। पता नहीं वाला बंदा ओपन में कैसे आया और मैं इसको आराम से मार देता हूँ। अब गाइस इसका क्रेट लूटने के बाद सीधा मैं शॉप पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास M4 नहीं थी और 5 की एमओ भी नहीं थी, और यहाँ पे एक बंदा था तो मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, क्योंकि यार अपने को रिस्क नहीं लेना। 10 किल तो हो गया और अपने को चिकन के लिए खेलना है। अब गाइस यहाँ पे मैं क्वेरी में आ गया था, क्योंकि यहाँ पे भी एक शॉप है और यहाँ पे देखो क्या सीन होता है। और यहाँ पे मैं जैसे पहुँचता हूँ ना, तो यहाँ पे एक बंदा था और ये वाला बंदा सीधा मेरे पे स्प्रे लेता है। अब यार यहाँ पे देखो मेरी हालत देखो, यहाँ पे बग्गी भी फंस गई थी और ये वाला बंदा मेरे पीछे पड़ गया था। अब गाइस जैसे तैसे करके यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था कवर में, और ये वाला बंदा यार मेरे पीछे पड़ गया। अब गाइस यहाँ पे ना मैं थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्मोक था तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्मोक करता हूँ, और ये वाला बंदा देखना क्या करता है। अब ये वाला बंदा ना पीछे की साइड भागता, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ और मेरा स्कारल में एमओ खत्म हो गया था, तो मैं ये भी पीछे की साइड भागता हूँ। अब ये वाला बंदा देखना क्या गलती करता है। बस यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, और ये वाला बंदा देखो ओपन में भाग रहा था। ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। बस यहाँ पे भी जैसे तैसे करके इस जोकर भाई को मार देता हूँ, और मेरा 11 किल हो गया था और जोन भी बहुत छोटा हो गया था और 14 बंदे और अलग थे। एंड गाइस यहाँ से शॉप से मैं अच्छी खासी सी लूट मंगवा लेता हूँ, जो जो नहीं था मेरे पास वो सब ले लेता हूँ यहाँ से। एंड गाइस यहाँ से जोन मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था और मेरा हिल भी कम था, तो मैं सोचा चलो जोन के बाहर ही हिल कर लेता हूँ, क्योंकि जोन के अंदर हिल करूँगा कोई भी कैंपर बैठा होगा तो वो मार देगा। तो यहाँ पर मैं हिल कर लेता हूँ चुपचाप, और देखो अब कहाँ पर जाकर रुकता हूँ। एंड गाइस मैं सोचा यार यहाँ पे सेक पे रुक जाता हूँ राइट साइड में, और यहाँ पे भी एक बंदा रुका था। तो यहाँ पे देखो रोटेशन देना है, बट घर के साइड से रोटेशन नहीं देना है, क्योंकि यार घर पे कोई भी बंदा बैठा होगा तो वो तुम्हारे ऊपर स्प्रे लगा और आराम से तुमको गिरा देगा। तो यार मैं जैसे रोटेशन ले रहा हूँ वैसे रोटेशन लेना, तो आराम से आप लोग रोटेशन भी मार लोगे और जोन के अंदर भी पहुँच जाऊँगा। अब गाइस यहाँ पे मैं पूरा जोन के एज पे आ जाता हूँ, और वाला पेड़ था ना वो जोन के अंदर था, और यहाँ पे मेरे पास फ्लेयर गन थी, तो मैं सोचा चलो बीआरडीएम मंगवा लेते हैं। और आप लोग को भी ऐसे बीआरडीएम मंगवानी है, अगर देखो अभी तुम चला दोगे तो अभी बीआरडीएम आ जाएगी, वरना जोन जैसे बनेगा फिर तुम चलाओगे ना तो टाइम लग जाएगा, और बीआरडीएम तो आएगी बट तुम ले नहीं पाओगे क्योंकि जोन भी चालू हो जाएगा। तो आप लोग ये गलती मत करना बिल्कुल। अब बस यहाँ पर अपने बीआरडीएम भी आ गए थे, वो भी जोन के बाहर, तो यहाँ पर अपने बीआरडीएम फटाफट से ले लेते और यहाँ से निकल जाते। यार यहाँ पर जोन भी बहुत डैमेज दे रहा था। अब गाइस यहाँ पे ना एक पत्थर के पीछे एक बंदा रुका था, तो मैं सोचा चलो इसके साथ फाइट लेते हैं, किल भी निकाल लेते आराम से, किल मिल जाएगा। बट इसके पास तो यार यहाँ पे शॉट गन थी, तो मैं तो शॉट गन देख के सीधा भाग गया था। अब देखना मैं कहाँ पे जाके रुकता हूँ और कैसे इसके साथ फाइट करता हूँ। यहाँ पे मैं कवर पे रुक देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास नेट वेट था तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर नेट ट्राई करते, अब देखना यहाँ पे क्या होता है। अब गाइस इस वाले बंदे को तो कोई एम के से मार देता है लेफ्ट साइड से। इन गाइस यहाँ पे 4 बंदे अलाउ थे और मैं जोन के बाहर था, तो मैं सोचा चलो अभी जोन के अंदर चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम 3 ही बंदे बचे थे, एक मैं और एक गाड़ी का रोटेशन मार रहा है और एक घर पे बंदा था, तो ये घर वाला बंदा मेरे पे स्प्रे लेता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है मेरे साथ। अब
बस यहाँ पे इसने BRDM पूरी जला देती है, यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक दो मोली ट्राई करता हूँ और यहाँ पे देखो क्या फाइट होती है, फिर मेरे साथ क्या सीन होता है वो भी देखना आप लोग, हंसोगे पूरा। अब गाइस यहाँ पे मेरे पास था वेब शूटर, तो मैं सोचा चलो ऊपर चढ़ जाता हूँ घर के ऊपर, अब यहाँ पे देखो क्या होता है। अब गाइस यहाँ पे मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं यहाँ पे इतना ओपन में चला जाऊँगा और ये वाला बंदा मेरे को आराम से मार देता है। और यहाँ पे देखो 36 का प्लस दे दिया था फर्स्ट मैच में। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।